गाइज इस क्वेश्चन को देखो, एग्जाम्पल नंबर 33 आपसे क्या कह रहा है। देखो सिमिलर पैटर्न के ऊपर ये भी क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। आपने देखा होगा इसमें कुछ जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स ले लेगा और किसी एक का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछेगा। तो देखो किस किस को फंडामेंटल लिया गया। इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसको आप सी कह रहे हो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको आप जी कह रहे हो, एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर जिसको आप पी कह रहे हो, इन तीन चीज़ों को आपने कहा है फंडामेंटल। इन तीन चीज़ों को आपने फंडामेंटल कहा है। तो आपसे किसका पूछा, लेंथ का पूछा, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा। तो जिसका पूछा है उसका निकालना है किसकी टर्म में, जिन जिन को फंडामेंटल कहा गया है इसकी टर्म में। तो आपको तो पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चीज़ है यहाँ पर, कि जो लेंथ है वो किस किस के टर्म में आनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ लाइट सी की पावर ए, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको आपने जी कहा तो जी की पावर हो जाएगी बी, एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर तो पी की पावर, इसको सी डैश कह दो क्योंकि सी यहाँ भी यूज़ हो रहा, कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या करना है, डायमेंशन इक्वल करनी है ताकि आपका सॉल्यूशन मिल सके। तो आप लिखोगे डायमेंशन इसकी लिखोगे, तो इसके पास तो ना तो एम है, एल है और टी भी नहीं है इसके पास, तो ये ख़त्म हो गया। अगर सी स्पीड ऑफ लाइट की बात करूँ तो ये एक तरह की स्पीड हो गई, मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होता है, तो मीटर पर सेकंड, तो इसको आप ऐसे दिखाओगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे दिखाओगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और साथ में होता है प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर का अलग से निकाल लो, फोर्स अपॉन एरिया के हिसाब से। तो फोर्स का कितना हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, और एरिया कितना होता है एल टू, तो एक एल से एक एल कट जाएगा, आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला बचा प्रेशर, ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और इसकी पावर सी डैश। अब जरा सही करके इनकी पावर्स लिख लो, एम की पावर ज़ीरो, एल टी की पावर ज़ीरो। अच्छा यहाँ देखो कहाँ है एम, एम यहाँ है, तो एम की पावर सी डैश, एम की पावर सी डैश, और हो गया एम की पावर सी डैश ख़त्म हो गई। अब एल का देखो, एल की पावर ये ए है, तो ये एल की पावर ए। अभी इसको एक बार एक काम करो, पहले पावर्स इसकी सही करके लिख लो एक बार, कंफ्यूज हो जाओगे वरना आप। एल की पावर ए टी की पावर माइनस का ए, थोड़ी सी गलती क्वेश्चन गलत कर देगी। एल की पावर बी टी की पावर माइनस के टू बी, एम की पावर सी डैश एल की पावर माइनस के सी वन डैश माइनस के सी, और टी की पावर माइनस के टू सी डैश, ये हो गया। अब इनको लिख लो आप मिला के, कैसे लिखोगे मिला के बताता हूँ। ये हो गया एम नोट एल टी नोट, एम देखो एम कहाँ, तो एम यहाँ पर है, तो एम की पावर सी डैश, एल ये है, एल ये है और एल ये है, तो एल तीन जगह, तीनों को लिखो मिला के। एल की पावर ए यहाँ है, एल की पावर प्लस का बी यहाँ है, और माइनस के सी डैश। तो एम का काम ख़त्म, एल का काम ख़त्म, तो एम एल। अब बचा टी, टी की पावर माइनस का ए ये है, टी की पावर माइनस का टू बी ये है, और टी की पावर माइनस के टू सी डैश ये है, ख़त्म। अब आपने इसको एम एल टी की फॉर्म में लिख दिया, कंपेयर कर लो दोनों साइड में पावर्स को। तो आप कंपेयर करोगे, कंपेयर बोथ साइड्स, तो देखो एम की पावर ज़ीरो और यहाँ एम की पावर सी डैश है, तो इसका मतलब सी डैश किसके बराबर हो जाएगा, ज़ीरो के। एल की कंपेयर करोगे तो ए प्लस बी माइनस के सी डैश, ये किसके बराबर है, एल की पावर वन के, तो वन के, ये वन हो जाएगा। बचा टी वाला, टी माइनस का ए माइनस के टू बी माइनस के टू सी डैश, ये किसके बराबर होगा, ज़ीरो के। तो आपने यहाँ पर ज़ीरो रख दिया। जब आपने इतना सब कुछ कर लिया तो काम कर लेते हैं बाकी ख़त्म। सी डैश ज़ीरो है तो कहाँ कहाँ रखोगे सी डैश, अभी आपके पास यहाँ ए भी है और बी भी है और सी डैश यहाँ भी है, यहाँ ए भी है बी भी है सी डैश यहाँ भी है। अच्छा सी डैश की वैल्यू ज़ीरो है, जैसे ही आप यहाँ रखोगे तो ये निकल कर आ जाएगा ए प्लस बी, ज़ीरो रखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू वन। सी डैश की वैल्यू जैसे ज़ीरो पुट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस के ए माइनस के टू बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ऐसे ऐसे निकल कर आ जाएगा। और माइनस का ए इज इक्वल टू हो जाएगा टू बी उधर जाके, तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस के टू बी। अब ए की वैल्यू माइनस के टू बी यहाँ पुट कर दो, तो माइनस के टू बी प्लस का बी इज इक्वल टू वन, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का बी इज इक्वल टू वन, मतलब यहाँ से निकल कर आ जाएगा बी इज इक्वल टू माइनस का वन। तो आपके पास सी डैश की वैल्यू तो पहले से ही थी,
आपके पास अब बी की वैल्यू आ चुकी है। अब बी की वैल्यू माइनस के वन है, इस वैल्यू को जब आप यहाँ पुट करोगे माइनस के वन, बी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे माइनस का वन, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी ए की टू। तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास टू, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा टू। तो आपके पास ए इज इक्वल टू टू भी है, बी इज इक्वल टू माइनस वन भी है, और सी डैश इज इक्वल टू जीरो भी है। तो इन सारी वैल्यूज़ को आप इक्वेशन नंबर वन के अंदर पुट कर दो और आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप कहोगे इस तरह से, पुट ए कोमा बी एंड सी डैश इन इक्वेशन नंबर वन। जब आप पुट करोगे तो आपके पास लेंथ का फॉर्मूला क्या निकल कर आ जाएगा, एल इज इक्वल टू सी की पावर ए, ए कितना आपके पास जल्दी से बताओ, ए की पावर है टू, ए की वैल्यू है टू, तो ये हो जाएगा टू। जी की पावर बी, बी कितना आपके पास बी, बी है माइनस का वन, तो आप यहाँ रख दोगे माइनस का वन। फिर इसके बाद में आ जाएगा पी, पी की पावर सी डैश, और सी डैश की वैल्यू कितनी है जीरो, तो आपके पास L इज इक्वल टू आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन जी, और यही आपसे पूछा था। अब जब P की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो, तो उसका मतलब होता है वन, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। तो L इज इक्वल टू आ जाएगा सी स्क्वायर ओवर जी। इसको बड़े सिंपल वे में भी कर सकते हो, अगर आपको कोई फॉर्मूला ऐसा बन जाता है जिसमें आप सी और जी ला दो तो आप कर सकते हो, वरना तो ये तो एक यूनिफॉर्म और आप ऐसे कह सकते हो यूनिवर्सल मेथड है, ये कभी फेल नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।